बहुत बहुत स्वागत है आज जुड़ने के लिए सर. लॉट ऑफ फैन लविंग यू सो मच ऑन दिस कैरेक्टर. क्या कहना चाहोगे उनके लिए? Yeah, but thank you so much for giving all the love to the show and mere character ko bhi pyar karne ke liye. Bada hi acha character hai, bada hi saaf sutra character hai, bada hi loving character hai aur thank you so much for all the love. Okay, show mein kafi twists and turns aate hain, to aane wale dino mein kya aane wala hai twists and turns, so kuch wo batana chahiye. Dekhiye, jaise ki abhi dikha chuke hain, ab tak jitne episode dikhaye hain uske andar jo bhi India mein entry ho chuki hai, अभी घर के आसपास हूँ, पुराने लम्हे याद आ रहे हैं, गांव में घूम रहा हूँ, अपनी माँ के साथ में कांटेक्ट में आया, तो वो पूरा जो एक मोमेंट था बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, वो आंसू बाहर लाने वाला, बहुत ही रोलाने वाला मोमेंट था, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई आदमी रिलेट करता है, क्योंकि माँ से ज़्यादा सच्चा प्यार किसी को उससे ज़्यादा प्यार साफ़ सुथरा और सच्चा प्यार है ही नहीं. भगवान का प्यार अगर धरती पर देखा जाए तो माँ का प्यार जो सबको बच्चे में, वो बड़ा एक बड़ा प्यारा मोमेंट था. हमने बड़ी कोशिश की उसको इतने ही सच्चाई के सामने निभाने की, और वो इट हैज़ कम आउट वेरी नाइस एंड सब फैंस को बड़ा अच्छा लगा. एंड आगे भी जितना ड्रामा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसे अपने पिताजी के साथ में मैं रूबरू होता हूँ, कैसे हमारी तकरार होती है, और कैसे अपन एक हम एक दूसरे से चुप चुप के प्यार तो करते हैं लेकिन उसका इज़हार नहीं कर पाते हैं, किसी से होता है कई बार बाप और बेटे में ईगो क्लैश हो जाता है, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे से खुल के बोल नहीं पाते हैं कि प्यार करते हैं, पर प्यार तो करते ही हैं, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कैसे वो तकरार बढ़ती चली जाती है. और अभी तो कुछ लग नहीं रहा है कि वो क्लियर होने वाला है सब कुछ, अभी थोड़ी दिन फिर मेरे घर से मेरे पिताजी से मेरा सामना होगा. सर, सीन में हमने देखा कि जो पुराने यादें आपके, कुछ यादें आपको याद आ रहे फ्लैशबैक में, क्या कहना चाहोगे और जिसको लेके आप कितना मतलब शो को कहना चाहोगे? देखिए, पुराने लम्हे आदमी हर इंसान जवानी के दिन, अपने कॉलेज के दिन, अपने जो माँ बाप के साथ में बिताए हुए जो लम्हे होते हैं वो सब याद करता रहता है. तो ये जो हमारा सीन था जिसके अंदर मेरा सरदार का गेटअप है, जब मैं जब हुआ करता था तो कैसे मेरे माँ बाप मेरी, जब मैं पढ़ाई करता था तो कैसे मुझे खिलाते थे, खिलाते थे, मेरी मदद करते थे मेरी पढ़ाई में, और वो सारे लम्हे हैं. तो हाँ, वो बहुत ही एक सादगी का टाइम दिखाते हैं उस टाइम पर, जब वो माँ बाप के साथ में बच्चा रहता है, कितना प्रोटेक्टिव फील करता है, माँ बाप कितना प्यार करते हैं उसको, और बाद में कैसे वो संसार के अंदर चीज़ें बदलती जाती हैं और कैसे वही प्यार तकरार में बदल जाता है. और हाँ, तो वही वो जो आज हमने फ्लैशेस जो शूट किए थे उसके अंदर वो सारे वही थे. ओके, होली की शुरुआत हो चुकी है सेट में, तो किस तरह का होने वाला है? प्रोमो शूट हो चुका है, क्या हो चुका है कुछ अगर आप बता सकते? अभी होली की शुरुआत होगी तो हर सीरियल में देखेगा आपको होली ढोल धमाके बज रहे होंगे, तो हमारा भी जो होली की अभी शुरुआत, हमारा प्रमोशन प्रोमो शूट है, तो यही दिखाने की कि होली के अंदर एक मेरे गुण भी एक ह्यूज डोज ऑफ ड्रामा फॉर ऑडियंसेस, कि आप तैयार रहे होली पे पूरा रोने धोने के लिए भी, नाचना गाना भी होगा लेकिन बीच बीच में रोना धोना भी काफ़ी होगा. ओके, आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कुछ होली की कुछ अगर आप बता सकें? यार, दोस्तों वोस्तों के साथ में हम नाचते गाते हैं, पार्टियों वार्टियों में जाते हैं और खाते पीते हैं अच्छे से, बड़े अच्छे से रंगीनी तौर पर मनाते हैं. पूरा दिन वो जो होते हैं आपके 11 से लेकर 4-5 बजे तक पूरा नाचते हैं, थक जाते हैं बहुत, मतलब हाँ, वी रियली लुक फॉरवर्ड टू होली. बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है, बहुत मज़ेदार फेस्टिवल है, बड़ा ही बोलते हैं दिल खोल के नाचने वाला फेस्टिवल है. ओके, वन लास्टली मैसेज टू योर फैंस, आप क्या कहना चाहेंगे? सेलिब्रेट होली विद योर फैमिली एंड विद योर लव्ड वंस, बी सेफ एंड स्प्रेड जॉय एज मच एज यू कैन. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से नाचिए गाइए, जिंदगी पूरी धूमधाम से मनाइए. थैंक यू सो मच.